का परचम लहरा के आए है भगवादारी अरे दुश्मन की लंका लगा। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि फतेहपुर में रामनवमी का जो उत्सव होता है वो किस तरीके से मनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग सारा समुद्र ये लांगे महाबले रुद्रंश सिंह का कवच करके पहुँच लंका बजरंग सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग रामनवमी का त्योहार जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और अभी जो जगह आप देख रहे हैं ये है अपने फतेहपुर का चौक एरिया। यहाँ की झांकियाँ बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि सभी कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छे वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए हैं और सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास से फतेहपुर में ये त्योहार मनाते हैं। तो बने रहिए और आप लोगों को आगे भी दिखाते हैं अन्य जगह है फतेहपुर की। अरे रावण की लंका जला के आए भगवान हरे। आज के दिन जब आप फतेहपुर में एंट्री करेंगे, अगर आप कानपुर से आ रहे हैं और फतेहपुर में एंट्री कर रहे हैं तो कुछ यूं आपको फतेहपुर लगने वाला है। पूरा शहर सजा हुआ है आज के दिन। और ये देखिए जगह जगह आपको डीजे मिल जाएंगे और यहाँ पे कुछ जगहों पर इस तरह भंडारे के पंडाल भी लगे हुए हैं ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से दुष्ट मान नहीं ज्ञान से अनमोल वचन दान से लगा दी अग्नि पूछ में हनुमान के। अब तांडव हुआ शुरू रावण का टूटा गुरु रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु अग्नि देव भी प्रसन्न हनुमंत संग चलो जला दी लंका सारी सोने की चिड़िया। आज हम लोगों की टीम मेंबर सूर्या पाठक जी के यहाँ सुंदर कांड का पाठ भी था तो हम लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं। और जगह जगह जो आयोजन हो रहे हैं उसकी वजह से अपना फतेहपुर कितना अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जो रात को सारी झांकियां होती हैं वो एक साथ निकलती हैं तो जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। आप लोग देख लीजिए काफी अच्छी खासी संख्या में भीड़ होती है यहाँ पर और सारी झांकियां एक साथ निकलती हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। सभी लोग एक साथ निकलते हैं सड़कों पर और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। ये देखिए और यहाँ पे देखिए किस तरीके से झांकियों को सजाया गया है बहुत ही अच्छी और सुंदर तरीके से। अरे रावण की लंका जला के आए भगवान हरे। त्रिकालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग सारा समुद्र ये लांगे महाबले रुद्रंश सिंह का कवच करके पहुँच लंका बजरंग सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए। संदेश आएंगे श्री राम लखन जल्दी बात करे फल दे खुश हुई कुल देवी। और देखिए यहाँ पे कलाकारों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से जो शिव तांडव है उसको दिखाने की कोशिश करी जा रही है। अरे बोल बजरंग बली की जय श्री राम जी का परचम लहरा के आए भगवान हरे। अरे दुश्मन की लंका लगा के आए भगवान परचम। और ये देखिए अंकल जी के द्वारा यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। फतेहपुर में जगह जगह पानी और भंडारे का आयोजन रखा गया था और ये देखिए यहाँ पे भैया लोगों के द्वारा बतासे का भी वितरण किया जा रहा है।
आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि वशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हुए अधीन ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित रावण की। और देखिए यहाँ पे पानी का वितरण चल रहा है, पानी और मुआवजे का, तो अगर किसी को प्यास लगी हो तो यहाँ से पी सकता है, बहुत ही नेक काम है ये। ये था आज का व्लॉग, आशा करते हैं आप सभी को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और भगवान श्री राम आप पे इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।